I am starting with the name of Allah, who illuminated our heart with the light of Iman. Hello and welcome guys. So now अब आप एक और domain register करा सकते हैं .zip के नाम से, like .pizza, .net, .info, .org etc. तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन अब एक और domain add हो चुका है इसमें, जिसका नाम है .zip. सो दोस्तों, अब आप अपनी वेबसाइट को .zip domain पर भी register कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा twist और एक रेड फ्लैग है. मीन्स दोस्तों, हैकर्स ने इसको बाय करना, परचेस करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. बिकॉज इसका जो नाम है .zip, ये आपको पता है, ये एक फाइल एक्सटेंशन है जो कि zip फाइल का है, और सिमिलर टू उसके जैसा ही लुकिंग, दिखने में और सेम स्पेलिंग. सो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है. सो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ज़्यादा कुछ इस टॉपिक पर पता नहीं होगा, और ये अभी की न्यूज़ है, और लिंक वगैरह के बारे में भी मुझे पता नहीं है. आप लोगों को कितना पता है और कितना आपने पढ़ा है या फिर आपने कहीं से सुन रखा है. सो फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आप कह सकते हैं लिंकों के बारे में और URL किस तरीके के होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए आखिर ये .zip किस तरीके से घातक और आप कह सकते हैं आपके लिए डेंजरस हो सकता है. बिकॉज दोस्तों, अगर आप कभी भी अगर आप गूगल ड्राइव पर कुछ अपलोड करते हैं, देन अगर आप उसको वापस जैसे कि किसी को लिंक शेयर कर उसको डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, तो अगर वो फाइल बंच में है देन वो zip में क्रिएट हो जाती है, और वो कंप्रेस होकर उस इंसान को मिलती है, देन वो डाउनलोड जैसे ही क्लिक करता है देन डाउनलोड हो जाती है वो zip फाइल. लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा, आपने बहुत सारी ऐसी लिंकें भी देखी होगी जिस पर क्लिक करने से डायरेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है चीज़ें. लाइक अगर आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा, तो आपको पता होगा जैसे ही आप वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते हैं, लास्ट स्टेप में वो डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, देन मोस्ट ऑफ वो चीज़ें zip फाइल में ही होती है. सो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है बिकॉज ऑफ इसके URL, और आप कह सकते हैं डोमेन में अगर .zip आ जाएगा तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये ऑफिशियल फाइल की लिंक है या फिर ये ऑफिशियल लास्ट डाउनलोड ऑप्शन है. सो यहाँ पर फिशिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, और आप इजीली ट्रैप हो सकते हैं बिकॉज डोमेन में वो लोग कुछ भी लिख सकते हैं, देन आपको लगेगा ये लिजिट फाइल है जो कि लास्ट डाउनलोड होने वाली है, देन आप उस पर क्लिक करते हैं, देन कोई मालवेयर या कुछ और ही डाउनलोड हो जाता है. सो यहाँ पर मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये किस तरीके से पॉसिबल है और ये कितना डेंजरस हो सकता है. सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको URL के बारे में बता दूँ. अगर दोस्तों आप एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको गिटहब के बारे में तो पता ही होगा. सो यहाँ पर एक गिटहब की लिंक दिखाई जा रही है जो कि एक फिशिंग लिंक है और एक लिजिट लिंक है. सो अगर आपने गिटहब से कुछ भी डाउनलोड किया है, तो आपको पता होगा कि आप जब भी .zip फाइल को डाउनलोड करते हैं, तो उसका लिंक कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है लास्ट में .zip. लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये दो लिंक में से एक लिंक है जो कि मिलिशियस लिंक है, और एक इनोसेंट लिंक, यानी कि जो कि नॉर्मल लिंक होती है वही लिंक है. सो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको हैरान कर देगी. अगर आपको लिंक और URL के बारे में नहीं पता, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट वाली लिंक है वो एक फेक लिंक और एक मिलिशियस लिंक है, और सेकंड वाली लिंक जो कि है ओरिजिनल लिंक है. सो यहाँ पर जो बीच में आपको स्लैश दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा. यहाँ पर जो नीचे सेकंड लिंक है उसमें स्लैश, और ऊपर जो लिंक है उसमें स्लैश अलग है. नीचे जो लिंक है, जो इनोसेंट लिंक है, उसमें स्लैश का मतलब ये है कि ये पाथ्स बता रहे हैं कि ये आखिर कहाँ की फाइल है और ये कहाँ से डाउनलोड होने वाली है. मीन्स गिटहब में कौन सी रिपोजिटरी, कौन सा फोल्डर और क्या है फाइल का नाम. और यहाँ पर आप जब फर्स्ट लिंक पर गौर करोगे, तो आपको यहाँ पर भी स्लैशेस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये थोड़े से टिल्टेड है. मीन्स दोस्तों, ये आप कह सकते हैं मैंने इस पर एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाया है, और आप कह सकते हैं एक न्यूज़ में कवर किया था ये जिस तरीके का अटैक है. इसमें आप दोस्तों सिमिलर दिखने वाले आप कह सकते हैं अल्फ़ाबेट और कीवर्ड्स, और आप कह सकते हैं सिम्बल्स को यूज़ करते हैं जो कि दिखने में तो सेम है लेकिन वो अलग है, लाइक स्लैश. तो ये स्लैश और वो स्लैश में थोड़ा सा फ़र्क है जो कि आपको देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा टिल्टेड देखने को मिलेंगे. और दोस्तों, दूसरी एक मेन चीज़ जो कि रेड फ्लैग है, वो है @. आपको दोस्तों फर्स्ट लिंक में @ देखने को मिल रहा होगा, बल्कि दूसरी लिंक में नहीं. सो यहाँ पर इसको अच्छे से समझने के लिए आपको एक URL का मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ. सो यहाँ पर ये पहले इस तरीके की चीज़ें यूज़ हुआ करती थी, लेकिन अभी नहीं होती बिकॉज दोस्तों यहाँ पर यूज़र की क्रेडेंशियल और एक्सेट्रा चीज़ें भी URL में शो कराई जाती थी. और ये दोस्तों यूज़ कर सकते हो आप, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर @ के पाथ वाला जो भी पार्ट है, वो दोस्तों एक अलग ही आप कह सकते हैं होस्ट नेम, वेबसाइट और इस तरह की पाथ और इस तरह की चीज़ों को डिनोट करता है. अगर दोस्तों आप URL में @ को ऐड कर देते हो, देन अगर कोई और वेबसाइट की लिंक ऐड करते हो, तो वो आपको उसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा.
मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट है यूज़र नेम और आप कह सकते हो यूज़र इन्फो। उसके बाद दोस्तों है होस्ट नेम, पोर्ट नंबर, पाथ एंड एक्सेट्रा क्वेरीज, जो कि वेबसाइट के अगर आप URL को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा पोस्ट गेट एंड इस तरह की अलग अलग क्वेरीज आती है। सो यहाँ पर अभी हम डिटेल में उस पर बात नहीं करेंगे, कभी और दिन किसी और वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप @ देखते हो देन उसके बाद अगर कोई पार्ट है तो आप समझ लीजिए कि वो अलग वेबसाइट क्या अलग URL है। सो यहाँ पर ये आपके लिए रेड फ्लैग है, आप जब भी लिंक में अगर अब @ देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है। और मेनली .zip वाले अगर कोई भी URL और डोमेन देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के URL भी है। मीन्स दोस्तों ये कोई फाइल नहीं है, ये URL है। सो आपको फाइल और URL में थोड़ा सा फ़र्क करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक रिसर्चर है जिन्होंने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किए। सो यहाँ पर ये गिफ्ट में है, सो क्वालिटी इसकी कम है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार देख लेना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्लिक करते हैं लिंक पर, जो कि दिखने में GitHub की लग रही है, लेकिन यहाँ पर डाउनलोड हो रही है एक zip फाइल जो कि अलग जगह से हो रही है। उसका URL आपको लेफ्ट साइड आपको कॉर्नर में देखने को मिल रहा होगा। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और आप इससे बिना चेक किए अगर इस पर क्लिक करते हैं देन आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं और आपको लगेगा कि ये कोई GitHub या कोई लिजिट वेबसाइट की आपके साथ लिंक है, लेकिन ये होगी नहीं। सो इस तरीके की चीज़ों से सावधान रहे। और आपको बताइए अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप इस डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रह सकते हैं, वरना तो ऐसे बहुत सारे स्कैम और ऐसी बहुत सारी न्यू चीज़ें आती रहती है और आप कभी भी हैक हो सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपको कोई भी हैक कर सकता है, बिकॉज़ कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सेफ नहीं है। अगर आपको सेफ रहना है तो आपको ऑफलाइन जाना होगा या अपडेटेड रहना होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR Spidey साइनिंग आउट।